समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने नोएडा में नमाज आयोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने से नफरत नहीं फैलती, आरएसएस नफरत का पाठ पढ़ाती है। रोजगार पे बहस ना हो, उनके जंगल राज पर बहस ना हो, इसलिए इस तरीके के मुद्दे ले आते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर नमाज पढ़ने से नफरत तो फैलती नहीं, ना ही कहीं भागवत कथा होती वहाँ नफरत फैलती है, लेकिन आरएसएस के लोग जो शाखा लगाते हैं उसमें आखिर करते क्या हैं? केवल जात के नाम पे नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे नफरत फैलाना, लोगों में बंटवारा कैसे हो सकता है, एक दूसरे से लोग नफरत कैसे कर सकते हैं, यही तो शाखा में सिखाते हैं। तो शाखा को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तो बंद नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तो नागपुर की खुद पिट्ठू है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही संज्ञान ले सकते हैं और जहां नफरत फैलाई जाती हो ऐसे हर काम को रोक देना चाहिए।